चलिए तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं और इस साल धान बेचने जा रहे हैं समर्थन मूल्य पर, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो भाई पूरी खबर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए, और किसान है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। जी हाँ किसान भाइयों, खबर आ रही है कि प्रदेश के लगभग 25 लाख किसानों से धान खरीदी की जोरदार तैयारियां चल रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल के लिए चावल का कोटा 61 लाख टन से बढ़ाकर 86.5 लाख टन करने पर सहमति दी थी। इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब जैसे कि खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार इससे मुंह कर गई है। केंद्र का कहना है कि इस बारे में फिर से विचार करेगा। किसान भाइयों, इस बार सरकार प्रति एकड़ 15 के बजाय 20 क्विंटल एमएसपी पर धान खरीदी करेगी, इसलिए ज्यादा धान खरीदी की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार चाह रही है कि केंद्रीय पूल का कोटा भी बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सिस्टम में इस बार कई नई चीजें होंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। धान खरीदी के लिए पंजीयन जारी है। धान खरीदी संभवतः 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। इस बार लगभग 25,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन का लक्ष्य 86.5 लाख मीट्रिक टन यथावत का अनुरोध किया है। साथ ही परिणामी चावल की पैकेजिंग के लिए 3.56 लाख गठान नए जूट बैग की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किए हैं। किसान भाइयों, वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही कि आज 9 सितंबर को आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की अहम बैठक भी होने वाला है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु तो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आज 9 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के कारण विगत 4 सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बता के चले कि राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ऐलान कर दिए कि हर परिस्थिति में किसानों से धान की खरीदी होगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी इस बार छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से धान खरीदी के पहले हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर कि इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हर हालत में किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। किसान भाइयों, इससे जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।